हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर। तो कल मैंने आपको डेरिवेशन एंड फार्मूलाज मैंने आपको कल बता दिए थे, ठीक है। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। पेपर में तो न्यूमेरिकल ही आएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इसके वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स। मैंने फॉर्मूले लिखाए थे, ठीक है। टोटल मिला के एट फार्मूले थे, ठीक है ना। तो वो आपको याद होने चाहिए, इससे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है इज सिंपली सपोर्टेड Simply supported beam of span 3 meter is subjected to a central load of 10 kilonewton. ये दिया हुआ। Find the maximum slope एंड मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, ठीक है। और आपको कुछ दिया भी हुआ है, टेक आई, इसमें आई यूज होता है जो रिलेशन में, 12 × 10⁶ mm² एंड ई भी आपको दे दिया हुआ, यंग्स मॉडुलस 200 गीगा पास्कल, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको इसकी डायग्राम बनानी है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम जिसके सेंटर में लोड है, मैंने आपको बताई थी डायग्राम इसके, मतलब इस टाइप का बीम है, सिंपली सपोर्टेड है। हर क्वेश्चन ऐसे ही करना है इसका, ठीक है। सेंटर में लोड है, W कितना, 10 kN, ठीक है। ये सपोर्ट आ गई, ये कौन सा एंड था, बी, ये था सी, ठीक है। बेंडिंग के बाद ऐसा हो गया था, ठीक। तो दिस वाज वाई मैक्स, तो यहाँ वाई ज़ीरो था, थीटा, ड्रॉ टेंजेंट थीटा बी, हेयर ड्रॉ टेंजेंट थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी होता है, थीटा इज इक्वल टू, वो तो ऊपर लिख दिया मैंने, इधर आ जाएगा वाई, इधर ज़ीरो। तो डिफ्लेक्शन यहाँ ज़ीरो होती है और थीटा मैक्सिमम होता है ना, यहाँ थीटा ज़ीरो होता है और यहाँ थीटा इज मैक्सिमम। तो थीटा एट ए इज इक्वल टू थीटा एट बी, मतलब स्लोप है ना, ये हमने कल मैंने आपको समझा दिया था कैसे आता है, इसे डेरिवेशन हमने की थी। तो न्यूमेरिकल करने से पहले आप डेरिवेशंस को एक नज़र मार लेना, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि डेरिवेशन हो सकता ना आए, हो सकता पेपर में आ जाए, कई बार कंसेप्चुअल चीज़ भी आ सकती है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल थीटा बी ये है, ये मैक्सिमम होगा, एक ये निकालना आपने और दूसरा डिफ्लेक्शन एट सी इज मैक्सिमम, इधर थीटा लगा लो, ठीक है। तो ये चीज़ें ना आपने दो चीज़ें निकालनी है, ठीक है। ये डायग्राम पहले बनानी है आपने, उसके बाद क्वेश्चन कैसे करना है, गिवन, ठीक है। गिवन से शुरू हो जाओ, डब्ल्यू पहले आपको सबसे पहले एल दिया है, लेंथ, स्पैन मतलब लेंथ है ना, 3 meters, सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ 10 kN, ठीक है। W 10 kN, किलो न्यूटन बन जाएगा 10³ N, 10⁴ N, ठीक है। और क्या दिया आपको, वो तो निकालना, डिफ्लेक्शन टेक I इज इक्वल टू 12 × 10⁴ mm⁴, ठीक है। अब mm को चेंज करना पड़ेगा ना आपको, कैसे करोगे, 12 × 10⁶, 10⁻³ बन जाएगा, ठीक है। इसका 4 है, मीटर 4, ठीक है। ये बन जाएगा 12 × 10, ये हो जाएगा -12, मल्टीप्लाई होता है ना, -12, और मतलब कि माइनस ट्वेल्व है और प्लस 6 है, तो -6 मीटर 4, ठीक है। ऐसे इसके यूनिट्स, ऐसे इसके इसको रिड्यूस कर देंगे हम बेसिक यूनिट्स में, ठीक है। ई
यंग्स मॉडुलस 200 गीगा पास्कल, गीगा होता है 10^9, और पास्कल तो आपको पता है यूनिट ऐसा यूनिट होता है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है। ये आ गया, तो पहला जो पार्ट निकालना आपने थीटा, मैंने आपको कल बताया था कितना होता है थीटा मैक्स। इस केस में सिंपली सपोर्टेड विद पॉइंट लोड एट द सेंटर, उसके लिए स्लोप कितनी होती है, WL स्केयर अपॉन 16EI, ठीक है। ये फॉर्मूला था, अप्लाई दिस रिलेशन, W कितना 10^4, L कितना है 3 का स्केयर है ना, 16 × E 200 × 10^9 I 12 × 10^-6, ठीक है। अब क्या करना है, इसको रिड्यूस, इसको सॉल्व करना है बस। तो ऊपर तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, ऊपर आ जाएगा 9 3 का स्केयर × 10^4, नीचे देखते हैं क्या आता है, 16 × 200 × 10^9 × 12 × 10^-6 38.4 × 10^6, तो 9 × 10^4 डिवाइड बाई आंसर दैट इज 2.34 × 10^-3। और ये किस में होता है, रेडियंस में, याद आपको स्लोप है ना, एंगल है, ठीक है। सेकेंड जो निकालना है वाई मैक्स, जो बी और ए पे होगा, ये सी पे होगा ना, ठीक है। ऊपर लिख दिया, अपने बार बार लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इधर लिख दो स्लोप, इधर लिख दो डिफ्लेक्शन, ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन करना है, तब जाके पूरे नंबर मिलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर आप बाद में सोचते हैं कि नंबर कट गए, तो यही रीज़न होता है कि आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने, ये आ गया आपका थीटा मैक्स, जो आंसर आता है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना चाहिए, ठीक है। और वाई मैक्स का फॉर्मूला क्या था, WL³/48EI, ठीक है। अगेन तो आपने देख लिया, यहाँ पर सिर्फ रिलेशन फॉर्मूले का खेल है, वैल्यू बाकी अपने वैल्यू पुट करनी है। W आ गया किधर गया, हाँ 10^4 इंटू एल का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का क्यूब इज 27, ओके। नीचे क्या आएगा, 48 इंटू ई आ गया 210^9 इंटू आई 12 × 10^-6, ठीक है। ऊपर तो ऐसे रखना है, हमें नीचे वाला सॉल्व करना, दैट विल बी 27 × 10^4 डिवाइड बाई, देखते हैं क्या आता है, 48 × 200 × 10^9 मल्टीप्लाई बाई 12 × 10^-6, ठीक है। तो 48 × 200 × 10^9 × 12 × 10^-6, ठीक है। ये आ गया 115.2 × 10^6, तो अब है 27 × 10^4 डिवाइडेड बाई आंसर 2.34 × 10^-3, दोनों का आंसर सेम ही आया, कोई बात नहीं। तो ये क्या है, मीटर्स में, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, तो एक न्यूमेरिकल हो गया, इस तरह से बाकी न्यूमेरिकल देखेंगे, लेकिन थोड़े से वो फास्ट निकलेंगे, ठीक है। ये स्टेप आपको समझ आ गया, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।